नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका बी के ऑलराउंडर चैनल पर दोस्तों आज के स्वास्थ्य वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं काज और खुजली के लिए लोशन जी हां ये 100 एम का बायो इसके भी लोशन है इसको नारियल के तेल में मिलाकर चार ढक्कन दबा चार ढक्कन नारियल का तेल एक में मिलाकर सुबह और शाम दो बार दिन में इसकी मालिश करें और इसका इस्तेमाल जब तक करें तब तो तक नीम साबुन लगाएं या डिटॉल या उसके अलावा कोई भी दूसरा साबुन ना लगाएं और ये दोस्तों है ग्लैमी स्केब लोशन ये हंड्रेड एम का होता है इसका एम आर पी पचपन रुपए है और बायो इसके भी जो हंड्रेड एम का है उसका एम आर पी पचासी रुपये होता है सेवन विधि इसकी भी जो है इसकी भी सेवन विधि जो है नारियल के तेल में मिलाकर सुबह और शाम बराबर बराबर नारियल का पानी और ये लोशन बराबर बराबर मात्रा में एक में मिला लें और सुबह और शाम पूरे शरीर में इसकी मालिश करें और दोस्तों जब तक इसको लगाएं तब तक जो है कोई भी नीम साबुन या डिटॉल साबुन के अलावा कोई भी साबुन का इस्तेमाल ना करें मीठी चीज़ें ना खाएं आपकी खाज और खुजली की समस्या जो है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी और इसके अलावा कोई भी दवा या गोली किसी भी दूसरी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करें जब तक बायो भी या ग्लैमी ये दोनों लोशन जो मैंने आपको बताए हैं इन दोनों लोशन को जब तक आप लगाते हैं तब तक कोई भी दूसरी दवा का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए और जब तक इसको लगाते हैं तब तक किसी भी मीठी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि मीठी चीज़ें खाज और खुजली के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं यदि आप मीठी चीज़ों को खाते रहेंगे या पीते रहेंगे तो आपकी खाज खुजली में इन दवाइयों को लगाने से अच्छा फ़ायदा नहीं हो पाएगा तो अच्छे फ़ायदा लेने के लिए आपको मीठी चीज़ों का परहेज करना चाहिए और ये हर मेडिकल स्टोर पर दोस्तों ये आसानी से मिल जाती है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है हर मेडिकल पर बायो इसके भी या ग्लैमी इसके ब्लोसन नाम से इनमें से क्या घर में दो तीन लोगों को इस दवाई का इस्तेमाल करना है तो बायो इसके भी हंड्रेड एम वाला ले लें अगर किसी एक को ही खुजली की समस्या है तो आप क्लेमी इसके भी लोशन ले लें ले और उसको लगाएं तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलेंगे किसी और दिन नए स्वस्थ वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपना ख्याल रखिए जय हिंद जय जै भारत जय श्री राम